dear students I welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number two three two and we are here to talk about that what is your gut when we talk about the gut feelings when we talk about our intuition obviously we are relying on the factor कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको logic और reason explain वह नहीं कर सकती और बहुत सी ऐसी चीजें जो logic और reason की explanation के बावजूद हमारे साथ associated हैं उनके बारे में भी हमें conscious रहना है विकास वह हमारी decision को और हमारे आने वाले फ्यूचर को इंपैक्ट और इफेक्ट वो कर रही होंगी सो वट इज योर गट? वी हैव टू बी केयरफुल इन इन एनालिसिस एंड सिंथेसिस अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू फोकस अपॉन सबसे पहली चीज यह है कि माइंड कंटिन्यूसली प्रोसेस इंफॉर्मेशन हमारा जहन हर वक्त कुछ ना कुछ वो प्रोसेस कर रहा है कुछ ना कुछ सोच रहा है हमारी जहन की बहुत सी क्यूरीज जो न जाने कब जनरेट हुई थी और उनके जवाब हमें कब रिसीव हो रहे हैं ये सब कुछ जहन के अंदर चल रहा होगा दैट वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ और उसके अलावा भी बहुत से अनकॉन्शियस प्रोसेस जो माइंड ऑटोमेटिकली परसीव करता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट भी नहीं होते वो सब हमारे जहन के अंदर कारफरमा होगा सेकेंड चीज जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना है कि द एसेंस ऑफ रेवलेशन एट दिन योर कॉन्शियस माइंड फाइनली लर्न समथिंग डेट योर सब कॉन्शियस माइंड हैजरेडी नोन और ये चीज बड़ी अहम है हमारे लिए वह बहुत से इल्हम वो बहुत से ख्याल जो जो शायद ख्वाब की कैफियत में भी हमारे पास आते हैं उसके बारे में हमें केयरफुल रहना है हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड माइंड हमारा mind, ये सारे के सारे आपस में इंटरेक्शन में वो हर वक्त होते हैं हर वक्त बहुत कुछ जहन के अंदर चल रहा होगा प्रोसेस हो रहा होगा एनालिसिस हो रहा होगा सिंथेसिस हो रहा होगा और कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे होंगे इसी के साथ साथ हमारे फाइव गेट्स ऑफ नॉलेज सेंस ऑफ टच स्मेल टेस्ट साइट ये सब कुछ हमारे जहन में बहुत सारा डाटा स्टोर वो हर वक्त करते रहते हैं So, इंसान बेसिकली एक रिसेप्टर है जो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत कुछ रिसीव करता है और फिर अपनी अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक उस तमाम रिसेप्शन में से हम अपनी परसेप्शन डिवेलप वो करने की कोशिश करते हैं अगर हम एक स्टेप इस बात को और आगे बढ़ाएं कि वट इज योर गट तो रिमेंबर के ब्रेन इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी थ्रू एन एक्सटेंसिव नर्वस सिस्टम नोन एज वेल एज थ्रू केमिकल सिग्नल्स चार हॉर्मोन्स न्यूरो ट्रांसमिटर्स एंड मॉड्यूलेटर्स तो इंसान का जहन सिर्फ उसके सर तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूरल नेटवर्क है जितने भी आपके सेंसेज हैं, वो सब के सब इवेंचुअली जाकर जहन के साथ अटैच होते हैं

that what we call the mind is really this intertwined system of brain and body ke mind sirf aapke neural network in the head nahi hai balki mind is basically composed of all the neurons spread all over your body उसके तहत जो कुछ भी आप महसूस करते हो आपके ख्याल आपके एहसास आपके ख्वाब सब कुछ वो मजमू तौर पर मिलकर आपके mind को तश्कील देता है और फिर वो mind सिचुएशंस को एनालाइज करता है उस एनालिसिस के मुताबिक डिसीजन मेकिंग करता है उस माइंड के अंदर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर आना है और तब हम एक इफेक्टिव लीडर की तरह इन्वायरमेंट के अंदर अपने स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेट कोऑपरेट और ऑपरेट वो कर सकेंगे माइंड प्रोसेस आर एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बहुत से फिनमिनाज हैं हमारे माइंड के अंदर भी हम दो हेमिस्फीयर डिसाइड कर लेते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर और दोनों हेमिस्फीयर का, का, का काम मुख्तलिफ अंदाज में चलता है कोई चीज़ हमारी परसेप्शन डेवलप करती है तो कोई चीज हमारा टेस्ट कहीं पर अगर नंबर प्रोसेस हो रहे हैं तो कहीं पर क्वालिटी और थ्यूरी सो so, याद रखे कि माइंड के डिफरेंट सेगमेंट्स और ये सारा का सारा निज़ाम वो हमारी सपोर्ट के लिए है वो हमें सस्टेनेबल बनाने के लिए है और वही तमाम चीजें हैं जो मिलजुल कर हमें इंसानियत के दर्जे पर भी फाइज वो करती हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल वी हैव टू बी माइंडफुल एंड वी हैव टू बी कॉन्शियस कि ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है इसकी कोई रीजन और लॉजिक है और उस और लॉजिक अगर हम ढूंढ पाए तो हमारे लिए फैसला करना वो आसान होगा डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो ह्यूमन इज ए कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना और उसकी साइकोलॉजी ऑब्वियसली उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बहुत से मैयर्स हैं जिन सबको जानना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि हमने कब कहाँ क्यों कैसे क्या फैसला किया और उसकी बैकग्राउंड रेशनैलिटी और इंट्यूशनल परस्पेक्टिव वो सब क्या थे थैंक यू